नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सी ए राजेंद्र अरोड़ा है और आज बात करेंगे एक और बड़े इंटरेस्टिंग इशू की। आज हम बात करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट के एक जजमेंट की, जो कि बंसल सेल्स कॉरपोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दिया। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ऑफकोर्स ये 22 जुलाई 2020 का जजमेंट है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये हियरिंग हुई थी इसकी। कहीं ना कहीं जो बात हम रेगुलरली बोलते आ रहे हैं और बता रहे हैं पुराने ज्यूरिसप्रूडेंस के हिसाब से, वही बात ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने रीइंस्टेट किया, रीइटरेट किया। बेसिकली हुआ क्या, फैक्ट्स आपको बता दूं, बंसल सेल्स कॉरपोरेशन पे 11 जून 2020 को एक लेटर दिया गया और उनको कहा गया कि भाई आपका ये 2,69,00,000 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट है, ये आपका इनएडमिसिबल है, आप इसको DRC 03 के माध्यम से पे कर दें। उसके बाद 6 जुलाई 2020 को एक सेक्शन 70 के सम्मन्स भी इसके प्रोपराइटर के ऊपर इश्यू हो गए और उसकी पर्सनल प्रेजेंस को कॉल कर लिया फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट। इसके खिलाफ जो है बंसल सेल्स कॉरपोरेशन ने दे प्रेफर्ड इन रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे वेंट टू द हाई कोर्ट। वहां पर उन्होंने बताया, देखिए जी, सबसे पहले तो ये जो डिमांड कर रहे हैं DRC 03 में 2,69,00,000 रुपए इनएडमिसिबल क्रेडिट है, ITC है, आप उसको जमा करा दें, कोई शो कॉज नहीं किया गया मुझे, कोई भी एडजुडिकेशन प्रोसेस शुरू नहीं किया गया और साथ ही साथ मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है, लेटर भेजा, फिर मेरे को सम्मन बोल भेज कर मंगवा लिया गया, बुलवा लिया गया मेरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए, तो मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है, मुझे रिलीफ दीजिए। जो रिस्पॉन्डेंट्स थे जो कि यूनियन ऑफ इंडिया के बिहाफ पर थे, उन्होंने कहा कि भाई देखिए ऐसा है, ये जो 11 जून का लेटर है, ये तो हम एक मौका दिया है हमने पिटिशनर को कि आप बिना किसी एजुडिकेशन प्रोसेस के अंदर गए जाए हुए आप मिनिमम ब्याज और पेनल्टी पे करो अंडर सेक्शन 74 सबसेक्शन 5 और आप रिलीफ ले लो और आप परेशानी से बच जाओ, और अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप अपना जवाब दीजिए और हम एजुडिकेशन प्रोसेस शुरू कर देंगे। तो हाईकोर्ट ने ये हेल्ड किया, जो कि बहुत ही रीजनेबल जजमेंट है। उन्होंने कहा भी देखिए ऐसा है, क्योंकि ये जो रिकवरी है 2,69,00,000 रुपए की, इसको रादर ये जो डिमांड है आपकी, रिकवरी नहीं कहूंगा, ये डिस्प्यूटेड है, इसको टैक्स पेयर जो पिटिशनर है वो डिस्प्यूट कर रहा है, तो इसलिए आप कोई भी जबरदस्ती वाला एक्शन रिकवरी के लिए, कॉर्शियव एक्शन रिकवरी के लिए नहीं लेंगे विदाउट इनिशिएटिंग द एडजुडिकेशन प्रोसेस। तो आप सेक्शन 73 या 74 में शो कॉज करें, प्रॉपर एडजुडिकेशन करें, डिमांड क्रिस्टलाइज करें और उसके बाद विद इन द लॉ आप उसके रिकवरी प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट कर सकते हैं। अभी आप इसके रिकवरी के लिए कुछ नहीं करेंगे बिना एडजुडिकेशन प्रोसेस को इनिशिएट किए हुए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बेहतरीन जजमेंट है ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का। बहुत सारे प्रेजेंट सिचुएशन में लेटर्स आ रहे हैं, कम्युनिकेशंस आ रहे हैं, सम्मन्स आ रहे हैं जिसमें डिपार्टमेंट इसी तरह का इनएडमिसिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट डिमांड कर रहा है और आपसे कह रहा है कि DRC 03 के माध्यम से ब्याज दीजिए और 15% पेनल्टी दे दीजिए और जमा करा दीजिए और भूल जाइए। तो आप इस जजमेंट को कहीं ना कहीं रेफर कर सकते हैं, इसका रिजॉर्ट कर सकते हैं, इसका शेल्टर ले सकते हैं और मैं समझता हूं कि एक बहुत अच्छा और बहुत ही बेहतरीन पब्लिक वेलफेयर का जजमेंट है। हमारा वीडियो आपको आशा करता हूं पसंद आया होगा। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।